हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ इतिहास का तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ, और जिधर से मैं पतला गली से गुजरूंगा वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं शुरू करता हूँ, आगे दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हैं क्या देहात का शानदार नज़ारा होता है। एकदम स्वच्छ हवा, स्वच्छ वातावरण, कोई भी प्रदूषण नहीं। देखिए, ये तंबाकू का पेड़ है, तंबाकू का पेड़ जो खैनी होता है, गेहूं का पेड़ लगा हुआ है। और ये देखिए, ये केला का पेड़ है दोस्तों, ये खजूर का पेड़, यहाँ पे दाढ़ी हुई इससे निकाला जाता है। रास्ते में जो जो चीज आएगा मैं आप लोग को उस चीज के बारे में बताऊंगा। देख सकते हैं यहाँ आगे कदम का पेड़ है, ये कदम का पेड़ यहाँ पे दिखाओ छोटू, कदम का फूल। वाह, देखिए दोस्तों क्या पुल का नज़ारा है। गांव का एकदम छोटा छोटा पुलिया है। देखिए इसमें बकरी, देखिए बकरी का बच्चा है। और देखिए यहाँ देखिए यहाँ सीताराम 10 दिवसीय नाम जप का यज्ञ लगने वाला है, यज्ञ होने वाला है, जो 10 दिवसीय यानी कि 10 दिन का जो नाम का जप होगा सीताराम का नाम का। ये दोस्तों क्या व्यूज है। देखिए देहात में कितना सब कुछ शांति होता है, कितना शानदार लगता है ना, कितना अच्छा लगता है। एकदम सुकून का जिंदगी होता है यहाँ, एकदम एक जीवन का आनंद ही कुछ और है। अगर आप लोग देहात से हो तो समझ सकते हो, अगर शहर से हो तो एक बार देहात में आइए, कुछ दिन घूमिए, यहाँ का वातावरण, यहाँ का माहौल में रह कर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखिए नाम जप का जो वहाँ पर बैनर लगा हुआ था उसका, यहाँ पे वो मंडप वगैरह बन रहा है, वहाँ पे मूर्तियाँ बन रही है बहुत सारी। यहाँ पे जो पहले फर्स्ट में बजरंगबली का मूर्ति बनेगा यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अगर मौका मिलेगा तो मैं आप लोग यहाँ आकर वीडियो बनाऊँगा, जब शुरू होगा तो वीडियो में भी अपलोड करूँगा। चाचा है कि ड्राम बांधे हुए हैं। यहाँ पे हवा हवा रिक्शा, कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। ठंडा ठंडा हवा है, धूप भी है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मस्त लग रहा है। देख सकते हैं, देखिए यहाँ पानी, इसमें मछली पालता है तो अपना छोटा छोटा नदी खनवा करके। दोस्तों देख सकते हैं कि देखिए शीशम का पेड़ है, इसका लकड़ी बहुत मजबूत होता है। आजकल ये सब पेड़ जो लुप्त हो गया है कटने की वजह से या कुछ की वजह से जो नहीं मिल पाता है, और पीछे शीशम का पीछे रह गया, एक और शीशम का पेड़ यहाँ पे है, लकड़ियाँ इसकी बहुत मजबूत होती है। देखिए गांव का दुकान, छोटा सा दुकान, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, कितना ईक का पेड़, ईक का गन्ने का। दोस्तों फुल वॉच कीजिए वीडियो पूरा, देखिए ऐसा नहीं कि आपका कोई मनपसंद चीज़ हो जिसको आप देखना चाहते हो और मेरा वीडियो में वो चीज़ हो और आप स्किप करके उसके आगे बढ़ जाओ, चीज़ देख नहीं पाए, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। जो भी रास्ते में दिखता है हम आप लोग के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और
पूर्ण रूप से उसको माने कि अच्छी तरह से दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए ईंटा जो बनता है ना चिमनी का दिखाता हूँ, देखिए ईंटा इसमें ईंट बनता है, यानी कि पर्यावरण के बीच में घर बना हुआ है, हर तरफ माने कि शुद्ध वातावरण, स्वच्छ हवा, कोई भी प्रदूषण नहीं। देखिए कितना पेड़ पौधा है उसके अंदर, सब घर बना हुआ है। इसमें है कि कोई चीज़ माने कि प्रदूषण नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, कोई माने दूषित चीज़ नहीं है, सब स्वस्थ हवा, स्वस्थ वायु। देखिए दोस्तों मक्की का पेड़ इसमें भुट्टा भरता है, कितना शानदार लगता है। जब यहाँ आकर के उस जगह का सीन है, गाँव में